हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका वेलकम करती हूँ द स्टोरी ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज जो हम आपको स्टोरी दिखाने जा रहे हैं, उस स्टोरी का विषय है चुहिया का स्वयंवर। गंगा नदी के किनारे एक तपस्वियों का आश्रम था। वहाँ वालिक के नाम के एक मुनि रहते थे। मुनिवर एक दिन नदी के किनारे जल लेकर आचमन कर रहे थे, तभी उसी समय उनकी पानी से भरी हथेली में एक चूहा गिरी। उस चूहे को आकाश में बाज ले जा रहा था। उसके पंजे से छूटकर वह चूहा नीचे आ गिरी। मुनि ने उसे पीपल के पत्ते पे रखा और फिर से गंगा जल में स्नान किया। चूहा में अभी प्राण शेष थे। उसे मुनि ने अपने प्रताप से कन्या का रूप दे दिया और उसे अपने आश्रम में ले आए। मुनि ने अपनी पत्नी को कन्या अर्पित करते हुए कहा कि इसे अपनी लड़की की ही तरह पालना। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए मुनि की पत्नी ने उसका लालन पालन बड़े प्यार से किया। 12 वर्ष तक तो वह उनके आश्रम में पलती रही। जब उसकी विवाह योग्य की अवस्था हो गई तो मुनि की पत्नी ने मुनि से कहा कि हमारी कन्या अब विवाह योग्य हो गई है, इसके विवाह का प्रबंध कीजिए। मुनिवर ने कहा, मैं अभी आदित्य को बुलाकर इसे उसके हाथ सौंप देता हूँ। यदि इसे स्वीकार होगा तो उसके साथ विवाह कर लेगी, अन्यथा नहीं। मुनि ने यह त्रिलोक का प्रकाश देने वाला सूर्य पति रूप में स्वीकार है। पुत्री ने उत्तर दिया, पिताजी यह तो आग जैसा गर्म है, मुझे स्वीकार नहीं, इससे अच्छा कोई वर बुलाइए। मुनि ने सूर्य से पूछा कि वह अपने से अच्छा कोई वर बताएं। सूर्य ने कहा, मुझसे अच्छे तो मेघ हैं, जो मुझे ढककर छिपा ले जाते हैं। मुनिवर ने मेघ को बुलाकर पूछा, क्या यह तुझे स्वीकार है? तो कन्या ने कहा, यह तो बहुत काला है, इससे भी अच्छे किसी वर को बुलाओ। मुनि ने मेघ से भी पूछा कि उससे अच्छा कौन है? मेघ ने कहा, हमसे अच्छी वायु है, जो हमें उड़ाकर दिशा दिशाओं में ले जाती है। मुनि ने वायु को बुलाया और कन्या से स्वीकृति पूछी तो कन्या ने कहा, पिताजी यह तो बड़ी चंचल है, इससे भी किसी अच्छे वर को बुलाइए। मुनि ने वायु से पूछा कि उससे अच्छा कौन है? वायु ने कहा, मुझसे अच्छा पर्वत है, जो बड़ी से बड़ी आंधी में भी स्थिर रहता है। मुनि ने पर्वत को बुलाया तो कन्या ने कहा, पिताजी यह तो बहुत बड़ा और कठोर है, इससे अधिक अच्छा कोई वर बुलाओ। तो मुनि ने पर्वत से कहा कि वह अपने से अच्छा कोई वर सुझाए। तब पर्वत ने कहा, मुझसे अच्छा तो चूहा है, जो मुझे तोड़कर अपना बिल बना लेता है। मुनि ने तब चूहे को बुलवाया और कन्या से कहा, पुत्री यह मूषक राज तुझे स्वीकार हो तो इससे विवाह कर ले। मुनि की कन्या ने मूषक राज को बड़े ध्यान से देखा। उसके साथ उसे अपनापन सा अनुभव हो रहा था। उस कन्या को मूषक राज पसंद आए और बोली, मुझे मूषिका बनाकर मूषक राज के हाथ सौंप दीजिए। मुनि ने अपने प्रतोबल से उसे फिर से चूहा बना दिया और चूहे के साथ उसका विवाह कर दिया। तो दोस्तों, आज की स्टोरी यहीं पे होती है समाप्त। आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारी ऐसी रोचक और ज्ञानवर्धक स्टोरियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू।